हमारा वार्षिक उत्सव है और संत सम्मेलन मुख्य है इसके, और भारतवर्ष के मतलब माने हुए उच्च कोटि के संत और महात्मा आ रहे हैं। किस तरह से इसमें जिसकी लिस्ट आपको मैंने दी है उसमें सबके नाम है। किस तरह से कार्यक्रम होगा, क्या क्या वितरण होगा? कार्यक्रम यहाँ पे सुबह आपको बताया कि 8 बजे से 10:30 बजे तक सत्संग होगा। 4 या 5 महात्मा एक टाइम में मतलब आधा आधा घंटा 40-40 मिनट बोलेंगे, और शाम को 6 बजे से 8:30 बजे तक सत्संग होगा। उसमें भी इसी तरह महात्मा बोलेंगे, 4 या 5 महात्मा मिलेंगे, कोई आधा घंटा कोई 40 मिनट इस तरह से। हाँ, कितने दिन रहेगा कार्यक्रम? 4 दिन रहेगा, 4 दिन का, 25 से 28 तक। मेरा नाम पंकज अग्रवाल है, आनंद आश्रम में ये 64वां वार्षिक उत्सव है जिसमें संत सम्मेलन भी हर साल होता है, जो कि सुबह को 8 बजे से 10:30 बजे तक होगा और शाम को 6 बजे से 8:30 बजे तक होगा। इसके बाद शरद पूर्णिमा के दिन 27 और 28 तारीख को अस्थमा की दवाई बटेगी, जो हर साल बटती आ रही है, हमारे महाराज जी द्वारा दी जाती है। वो एक पुड़िया उसी दिन खाई जाती है और एक बड़ी पुड़िया दी जाती है जो आगे 15 दिन तक खाई जाती है। किस तरह से वितरित किया जाता है उसको? उसका पहले दिन तो जो शरद पूर्णिमा की खीर लोग रखते हैं उसके साथ सेवन किया जाता है। अभी कोविड से हमने खीर बनवाना बंद कर दिया है ताकि आप अपने घर पे खा लें, हम पहले देते इसीलिए 27 तारीख से दे देते हैं, और वो खीर में मिला के खाई जाती है, और पत्रक साथ में खाने की विधि का भी हम देते हैं जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो। ये दवा करीब हमारे 40 वर्षों से निरंतर बढ़ रही है, कोई नहीं, निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क। महामंडलेश्वर स्वामी असंगानंद जी के द्वारा और महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वरानंद जी, दो तो महामंडलेश्वर आ रहे हैं हमारे, उसके बाद ज्योतिमानंद जी रायबरेली से आ रहे हैं, विज्ञानानंद जी आ रहे हैं, और आपकी श्रीमती मिथिलेश दीक्षित जी उरई से आ रही हैं, नरेश शास्त्री जी आ रहे हैं, श्री स्वामी गंगेश्वरानंद जी आ रहे हैं, और स्वामी यक्षानंद जी आ रहे हैं, विज्ञानानंद जी भी आ रहे हैं।